विभिन्न विभागों के राजस्व प्राप्तियों संबंधित बैठक एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एसडीएम अरुण कुमार सिंह, सुरेश कुमार राय, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्याम लाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में राजस्व अर्जित करने वाले विभागों के प्राप्त राजस्व के संबंध में चर्चा की गई तथा निर्देशित किया गया कि राजस्व वसूली बढ़ाया जाए तथा बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसते हुए राजस्व वसूली बढ़ाया जाए। सर, सूची हमने मंगा लिया है, फीड 1000 कर दिया है, सूची और गांव से मंगा लिया है। हमें दोनों बातों में अंतर है। एक है सूची मंगा लेना, एक है सूची की एंट्री करना। पिछली बार हम लोग चुके हैं, 1,00,000 लोगों को पैसा बांटा गया है, सूची हमारी 70-80 हज़ार की एंट्री वो करनी। अब साइट देखिएगा, जो किट बांटी है वो लगभग 1,00,000 किट बांटी है जनपद में हमने, और साइट पे मुश्किल से 70,000 का डेटा हो पाया है, ठीक है। और 13 फरवरी को हो रहा है, और अब की बात वेन्यू भी फाइनल हो गया। वेन्यू रहेगा हमारा रामगढ़ ताल के पास, हमारा 2 ऑडिटोरियम बने हैं, तो अब उन्हीं ऑडिटोरियम में होगा, चंपा देवी पार्क में होगा। और प्राप्ति हुई है 77,57, 79% ही हमारी उपलब्धि रही है। और वार्षिक के सापेक्ष वार्षिक हमारा 37 रहा है। अब हमारे पास आगे 4 ही महीने बकाया है और हम वार्षिक में 37 पे हैं, तो कैसे कर पाएंगे हम? 4 महीने बकाया है, इसका मतलब हमारा 60% के आसपास होना चाहिए। हम जो 77 बांध में कल की अभी जो अलार्मिंग फिगर है ना, आपका वार्षिक लक्ष्य 1,19,000 करोड़ है। अगर संभव नहीं होगा या तो हम ये तो दो चीजें हो गई, एक तो है कि नेचुरल तौर पे आ रहा है जो आता रहेगा, प्रयास में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, लक्ष्य को ना भी हम प्राप्त करें तो कोई आपकी कोई कार्य योजना है कि अगले 4 महीनों में हम उसको करेंगे तो ऐसा हो जाएगा? जी सर। क्या कार्य योजना है? जी आप ऐसा करिएगा, एक कार्य योजना प्रस्तुत कर दीजिएगा, एक तो पूरे 4 महीने की होगी और एक मंथली कार्य योजना हो जाएगी, जिससे ये तो आइडिया हो कि जो हमारा गैप है उस गैप को हम कितना फिलअप कर पाएंगे, ऐसे वो पैसा आता रहेगा। किस काम को रजिस्ट्रेशन बताएं आप? मंथ में तो आप 90% हो गए हैं। 90 अप्रैल मार्च और अप्रैल। आप तो मुझे लगता पूरी टैक्सेशन में सबसे पहले खुले हैं आप, स्टैंप का तो सबसे पहले खुला है। अब सर मुझे कंफर्म नहीं पता है। मतलब ये तो सब जानना है, स्टैंप और आबकारी दो चीजें ओपन हो गई थी और चीजें उतनी ओपन नहीं थी। आप 37% पे हैं, कैसे बढ़ाएंगे इसको? अब तो मंथली का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह गया, 60% हमें और अचीव करना है। इसका मतलब पर मंथ अगर हम 15% एक्स्ट्रा अचीव करेंगे तब जाकर, मतलब 15% हम अचीव करेंगे एनुअल टारगेट का तब जाकर के, तो एनुअल अचीव करने का मतलब है 60,000 का टारगेट है और 9,000 करोड़ रुपए पर मंथ करेंगे तब हम 100% अचीव करेंगे। पर मंथ जो है 94,00,000 रुपया, 572,00,000 वो मार्च से अब तक सर जमा नहीं, बस 6.5 करोड़ रुपए बकाया। इसका मतलब वो आपको मिल सकता है, तो भी गाड़ियाँ जो सरेंडर किए हुए थे 70 गाड़ियाँ, उन्हीं जो उन्होंने 70,00,000 जमा किया, ठीक है, और तो वो 6.5 करोड़ रुपये सर मिल जाएगा हमको। अब इधर सर गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन कुछ बढ़ा हुआ है तो उससे हमारा कवर हो जाएगा।
नहीं, उसमें हमारा प्रयास क्या होगा, एक तो होगा कि वो अपनी मार्केटिंग करेंगे, गाड़ियाँ बिकेंगी, बिकेंगी, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, जिससे बेवाफ हो गया। हाँ अच्छा, मतलब ट्रकों के मामले में जो है 2 महीने का, बसों में 2 महीने का और ट्रकों का 1 महीने का, इतना तो माफ कर दिया गया था जमा करने के लिए, तो इस तरह से सर अब एक्चुअल में हमें जितने भी टैक्सेशन वाले डिपार्टमेंट हैं सबको युद्धस्तर पर मेहनत करनी होगी और ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा कराना होगा। अब नहीं 408 करोड़ बचा हुआ है ना, हाँ 4 महीने के लिए, इसका मतलब कि 100-100 करोड़ रुपए, और 4 महीने में 400 करोड़ तो नहीं आया है। नहीं 4000 करोड़ होगा, 408 नहीं, आपका आपका 116 करोड़ था और 1163 करोड़ है। अच्छा 1163 करोड़ में सर अब तक का लक्ष्य था 754 करोड़ का, 504 करोड़ मिला है, आगे से 4 महीने में 408 करोड़ बचा हुआ है, 400 करोड़ तो मिल जाएगा सर। अच्छा